हाय एवरीवन, दिस इज़ रवि और आज के हम वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लासेस को रेफरेंस टाइप क्यों बोलते हैं। सो बिफोर वी बिगेन, रेफरेंस टाइप क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। रेफरेंस टाइप वो है जहाँ पे लेट्स से आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं और वो दोनों ऑब्जेक्ट एक सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, तो अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट में चेंज कर होता है, कोई भी प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में होता है। ओके, ये बाई डेफिनेशन है। इसे हम अभी एक एग्जाम्पल में देखेंगे। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा तो और ज़्यादा ईजी रहेगा। सो उसके लिए मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास ऑफ एम्प्लॉय, और उसे एक प्रॉपर्टी दे देता हूँ। लेट्स से एम्प्लॉय की एक प्रॉपर्टी होती है एम्प्लॉय आईडी, और वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो डिपार्टमेंट नेम इज स्ट्रिंग। और लेट्स से अब मैं इसका एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। सो आई वुड से लेट ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय इक्वल्स टू एम्प्लॉय। परफेक्ट। अब यहाँ पे एक दिक्कत है जहाँ पे मेरा स्विफ्ट कंपाइलर बोल रहा है कि क्लास एम्प्लॉय हैज़ नो इनिशियलाइजर। इसका मतलब ये है कि आपकी जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं इनको वैल्यू चाहिए, ये ऑप्शनल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है। तो ऑप्शनल यानी क्या? ऑप्शनल यानी कि ये एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, और रिक्वायर्ड यानी कि इस तरीके से कुछ डिफाइन होती है। तो ये ऑप्शनल और रिक्वायर्ड ये दोनों क्या है, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा मेरे आने वाले वीडियो में। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैं इनको वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से एम्प्लॉय आईडी 1 एंड द डिपार्टमेंट इज़ टेक्निकल, राइट? अब अगर मैं डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करूं, लेट्स से डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय डॉट डिपार्टमेंट नेम, अभी अगर मैं प्रिंट करता हूं तो डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू टेक्निकल आता है। परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक और वेरिएबल यूज़ करता हूँ, लेट्स से ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय 2, और इसे वैल्यू देता हूँ ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय, राइट? तो अभी क्या हो रहा है कि मेरा ये जो वेरिएबल है वो मेरे ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर एक मेमोरी एड्रेस ले लेते हैं, लेट्स से 1 2 3 4, राइट? अगर लेट्स से अगर आप इस मेमोरी एड्रेस पर जाते हैं 1 2 3 4, तो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय मिलेगा। तो अब यहाँ पे हो क्या गया है कि ये जो वेरिएबल है ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय 2, ये भी मेमोरी एड्रेस 1 2 3 4 पे पॉइंट कर रहा है, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला कि रेफरेंस टाइप क्या होता है, रेफरेंस टाइप ये होता है कि अगर आप इसमें कुछ भी चेंजेस करोगे, या फिर दोनों में से किसी भी एक दोनों में से किसी को भी पकड़ लो, अगर आप कहीं पर भी चेंज करते हो तो उसका इम्पैक्ट दोनों जगह पर होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्योंकि डिपार्टमेंट नेम यहाँ पे टेक्निकल आ रहा है, बिकॉज यू ऑलरेडी स्पेसिफाइड कि द डिपार्टमेंट नेम इज़ टेक्निकल। सो मैं क्या करूँगा, मैं डिपार्टमेंट नेम चेंज कर दूँगा। आई विल से मैकेनिकल। ओके, तो अब डिपार्टमेंट नेम हो गया मैकेनिकल। तो चलो एक काम करते हैं, फिर से डिपार्टमेंट नेम प्रिंट करते हैं। लेकिन आप देख सकते हो मैंने ऑब्जेक्ट ऑफ एम्प्लॉय 2 यूज़ किया है, जहाँ पे मैंने जिससे मैंने डिपार्टमेंट नेम चेंज किया है, लेकिन मैं प्रिंट करते वक्त सिर्फ ओबीजे एम्प्लॉय यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स डू दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सबसे पहले जहाँ जब हमने डिपार्टमेंट नेम चेंज नहीं किया, तब जब ये प्रिंट होता है तब पहली बार टेक्निकल प्रिंट होता है, और फिर उसके बाद जब हमने चेंज कर दिया तो उसके बाद मैकेनिकल प्रिंट होता है। सो ये फंडा है जहाँ पे टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर लुकिंग एट द सेम मेमोरी एड्रेस, और किसी भी एक ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो वो दूसरे ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं रेफरेंस टाइप। हमने हमारे पुराने वीडियो में देखा था कि स्ट्रक्चर्स के साथ ऐसा केस नहीं था। तो स्ट्रक्चर्स में अगर आप कहीं एक इस तरीके का कुछ करते हो, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, इस तरीके का कुछ करते हो, तो उसकी एक सेपरेट कॉपी बनती है। तो आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल कॉपीज पे काम करते हो, आप सेम एड्रेस मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे काम नहीं करते, राइट? तो क्लासेस के साथ थोड़ा ये केयरफुल रहना चाहिए कि आप इस तरीके का कुछ इनिशियलाइजेशन नहीं कर रहे हो अपने कोड पे, बिकॉज उसका इम्पैक्ट फिर दोनों जगह पे होगा। फिर आप बोलोगे कि अरे यार, मैं तो यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ये ऐसा आउटपुट नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ रेफरेंस टाइप। जहाँ पे होता है आपको लगता है कि स्ट्रक्चर यूज़ करना चाहिए तो वहाँ पे आप स्ट्रक्चर यूज़ कीजिए, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं मुझे क्लासेस यूज़ करना चाहिए, क्लासेस यूज़ कीजिए। बट मेक वेरी श्योर यू डोंट एंड अप इनटू सिचुएशंस लाइक दीस जो आप लाइन नंबर 13 पे देख रहे हो, वरना आप किसी एक व्यू पे चेंज करोगे या फिर एक पेज पे चेंज करोगे तो उसका इम्पैक्ट आपको दोनों तरफ दिखेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये क्यों हो रहा है।
एंड दिस इज़ द रीज़न वाई क्लासेस आर कॉल्ड रेफरेंस टाइप्स, बिकॉज वो दोनों की अगर आपने ऐसा कुछ इनिशियलाइजेशन किया है तो इम्पैक्ट दोनों तरफ होता है, एक तरफ नहीं होता है, राइट? सो दिस इज़ द रीज़न वाई क्लासेस आर कॉल्ड एज रेफरेंस टाइप्स. आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे.